हेलो गाइस, वेलकम टू एनजीसी टॉक्स यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में हम जानने वाले हैं सुपरस्टार विशाल की टॉप 5 मूवीज के बारे में, जो हिंदी में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप यूट्यूब पर देख सकते हो। तो अगर आप साउथ की मूवीज बहुत ज्यादा देखते हो और विशाल के फैन हो तो इस वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहो। नंबर 5, पुजारी। पुजारी 2014 में रिलीज एक एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb पर 5 की रेटिंग मिली है और 85% गूगल यूजर्स को ये मूवी पसंद आई थी। इस मूवी का डायरेक्टर हनी है और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। दोस्तों, ये मूवी अच्छी है और आप इसे एक बार तो देख सकते हो। नंबर 4, अम्बाला। अम्बाला 2015 में रिलीज एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb पर 4.4 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स को मूवी पसंद आई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सुंदर सिंह और हरी हैं। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 26 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। दोस्तों, ये काफी अच्छी कॉमेडी मूवी है, इसलिए आप इसे एक बार तो जरूर देख सकते हो। नंबर 3, पायुम पुली। पायुम पुली 2015 में रिलीज एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb पर 6 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स को ये मूवी बहुत पसंद आई थी। इस मूवी का हिंदी नाम मैं हूँ रक्षक है। इस मूवी के डायरेक्टर सुशीन थिरन है और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। मूवी में दिखाया गया है कि विशाल का कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का है, जो कि एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर और किस तरीके से वो अपने मास्टरमाइंड विलन को हराता है, इसके ऊपर मूवी आधारित है। तो एक बार तो आप इस मूवी को जरूर देख सकते हो। नंबर 2, थुप्रीवालन। थुप्रीवालन 2017 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली हुई है और 93% गूगल यूजर्स को ये मूवी पसंद आई थी। इस मूवी का हिंदी में नाम डेसिंग डिटेक्टिव है। इस मूवी के डायरेक्टर मिस्किन है और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। मूवी में दिखाया गया है कि विशाल के कैरेक्टर, जिसका नाम कन्हैया है, वो एक डिटेक्टिव है जो अपने यूनिक स्टाइल से अपने केसेस को सॉल्व करता है। यह मूवी हमें शेरलॉक होम्स की याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इसकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए आपको इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। नंबर 1, इरम्बू थिराई। इरम्बू थिराई 2018 में रिलीज एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है और 93% गूगल यूजर्स को ये मूवी बहुत पसंद आई थी। इस मूवी के डायरेक्टर PS मित्रन है और मूवी ने बॉक्स ऑफिस में लगभग 61 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। इस मूवी का हिंदी नाम रिटर्न ऑफ अभिमन्यु है। दोस्तों, ये मूवी कुछ हैकिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको इस मूवी के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अगर आपको मूवी के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो इसका सस्पेंस थोड़ा बहुत खुल जाएगा और मैं नहीं चाहता आपका मूवी देखने का मजा खराब हो, क्योंकि दोस्तों, ये मूवी वाकई में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, इसलिए आपको इस मूवी को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, ये सारी मूवीज़ आपको YouTube पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप नंबर 1 और नंबर 2 की मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।